हिजबुल्ला को अपना नया कमांडर मिल चुका है, जो नसरल्लाह के बाद अब हिजबुल्ला की कमान संभालेगा। इसराइल से जंग के बीच हिजबुल्ला के मुखिया का ऐलान हुआ है और इसकी जिम्मेदारी नईम कासिम को दी गई है। अब नईम कासिम को हिजबुल्ला के संगठन का नया नेता चुने जाने के कुछ घंटे के भीतर ही इसराइल ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने मंगलवार को नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उनकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा, अस्थायी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं। मंगलवार को ही हिजबुल्ला ने नईम कासिम को संगठन का नया नेता चुना था। उनकी नियुक्ति हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में की गई है। हालांकि नईम कासिम नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में चरमपंथी संगठन की पहली पसंद नहीं थे। इसके पहले नसरल्लाह की मौत के बाद हाशिम साफुद्दीन की समूह को कमान मिली थी, लेकिन उनकी नियुक्ति का औपचारिक ऐलान होता इसके पहले ही अक्टूबर की शुरुआत में इसराइल ने उन्हें खत्म कर दिया। अब नईम कासिम की नियुक्ति का ऐलान संगठन ने कर दिया है। इसराइली रक्षा मंत्री गैलेंट ने हिब्रू में एक अलग पोस्ट में लिखा, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके पहले मंगलवार को गैलेंट ने इसराइली सेना की उत्तराधिकारी कमान का दौरा किया। इसके बाद एक बयान में उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला के रॉकेट भंडार का अधिकांश हिस्सा इसराइली हमले में नष्ट हो गया है। इसराइली सेना के अनुसार हिजबुल्ला ने कुछ दिनों में 180 से 200 रॉकेट दागे हैं। वहीं सेना ने भी लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के हथियार उत्पादन और भंडारण सुविधाओं पर तीव्र हवाई हमले किए हैं। आपको बता दें कि नईम कासिम की दशकों से हिजबुल्ला में अहम भूमिका रही है। वे 34 वर्षों से चरमपंथी समूह में नंबर दो के रूप में काम कर रहे थे। कासिम ने हिजबुल्ला के पूर्व महासचिव का भी पद संभाला था। मौसावी की 1992 में इसराइल ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद नसरल्लाह को महासचिव बनाया गया। इसके बाद भी कासिम उपसचिव के पद पर बने रहे।